देखी है क्या आपको नहीं लगता कि इस जॉब के लिए आप ओवर क्वालिफाइड हैं? इसका हल है मेरे पास। वो क्या? मैं काम भी उतना करूंगा जितना मेरी सैलरी है। फिर तो बहुत मुश्किल। बल्कि मैं हफ्ते में 2 इजाफी छुट्टियां भी क्या करूंगा। भला मैं ठहरा चार्टर्ड अकाउंटेंट और ये नौकरी खाली अकाउंटेंट की है। अगर आप खुद को इतना हाईली रैंक करते हैं तो मुझे अफसोस। मैं रिजाइन करता हूँ। आप रिजाइन कैसे कर सकते हैं? अभी तो हमने आपको हायर ही नहीं किया। जैसे मैं तो मरे जा रहा हूँ ना यहाँ पे हायर होने के लिए। जैसे हमें आपके मरे जाने की परवाह है, और अगर होती भी तो आपकी रिजाइन करने से पहले आपको फायर कर देता। साबित करें। अच्छा तो फिर मैं आपको इस कंपनी में अकाउंटेंट हायर करता हूँ। शुक्रिया। कोई बात नहीं। और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैं रिजाइन करता हूँ। आप रिजाइन नहीं कर सकते। मैंने आपको नौकरी से निकाल दिया था। देर कर दी आपने। मैंने तो पहले रिजाइन कर दिया था। तो दोबारा कर लेते हैं। ये जॉब आपकी हुई और मैंने आपको नौकरी से निकाल दिया। आपने मुझे जॉब ऑफर दी, मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं की। वैसे भी मैं एक दफा पहले काम कर चुका हूँ, मुझे ये जगह पसंद नहीं है। तो हम ऐसा क्या करें कि आप दोबारा हमारे पास काम करने के लिए आ जाएं? तनख्वाह भाई, तनख्वाह। तनख्वाह 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए? मैं आपको 2 सेकंड में नौकरी से निकाल दूंगा। फिर क्या तनख्वाह बनेगी? 500-550 रुपए तकरीबन। और इस बार मैं रिजाइन भी नहीं करूंगा। आपको नौकरी से निकालने के लिए ही तो इतनी मेहनत कर रहे हैं हुजूर। शुरू करें। मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पे अकाउंट की जॉब तो कर चुका हूँ, दोबारा उस पोस्ट वापस आना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों ना मैं जूनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे आऊँ। जूनियर वाइस प्रेसिडेंट? सैलरी 40 लाख रुपए महाना या 500-550। लेकिन आप वादा करते हैं कि आप रिजाइन नहीं करेंगे। भला ऐसी नौकरी को कौन छोड़ के जाएगा सर। ठीक है, तो जूनियर वाइस प्रेसिडेंट की जॉब आपकी हुई। कबूल है, कबूल है, कबूल है। और अब मैं आपको नौकरी से निकालता हूं। लेकिन मैं जूनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं, मतलब क्या आपका बॉस? आप मुझे नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं? ये कब, कैसे? बल्कि मैं अब आपको नौकरी से निकालता हूं। बॉस मैंने किया क्या है? ओ यार आप अजीब पागल, 40-40 लाख रुपए छेड़ी किस्म के लोगों को नौकरी देते फिर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? कंपनी को हर साल करोड़ों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब मैं क्या करूं सर? देखिए मेरी बात सुनिए, हम आपको पूरा पूरा मोटिवेट करेंगे, आपने बिल्कुल नहीं होना, ठीक है? एक तो मैं इंसान भी इतना अच्छा हूं, दरिया दिल। अभी 15 मिनट ही हुए हैं, हमारे पास एचआर में एक नौकरी खाली हुई है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है? We'll be right back.